स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7th ऑफ क्लास 8th क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स। सबसे पहले क्यूब मींस ए नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, लाइक क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 8, 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 27। क्यूब मींस ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन नंबर्स विद वन डिजिट 1, देयर क्यूब विल आल्सो हैव द वन डिजिट 1, लाइक दिस वन डिजिट 1, क्यूब ऑफ वन डिजिट 1। सेकंड, क्यूब्स ऑफ द नंबर विद वन डिजिट एज 4, 5, 6, 9 एंड 0 विल हैव द सेम वन डिजिट, लाइक दिस सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर्स 4, 5, 6, 9 एंड 0 लाइक 24, वन डिजिट 4 द क्यूब 64, 4 आल्सो लाइक 35, 5 द क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 125 एंड सो ऑन। सिमिलरली 6, 9 एंड 0। थर्ड प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज एन इवन नंबर एंड क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड नंबर, लाइक दिस 2, 4, 6 इवन 1, 3, 5 ऑड क्यूब ऑफ इवन नंबर 4 × 4 = 64, ठीक है, लाइक 8, 64 आल्सो इवन, 1 cube 1 × 3 × 3 = 27 5 cube 125, these number also odd. The cube of any even number is an even number and cube of any odd number is a odd number. Next property, fourth, the cube of number with one digit is 2 will have one digit as 8 and vice versa. The cube of 2 one digit 2 cube of 2 8 and 8 2 vice versa. Next, fifth, the cube of numbers with one digit as 3 will have one digit 7 as vice versa. जेकर 3 है, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा और 27 का कितना आ जाएगा 3, vice versa. Now क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, नाउ नेक्स्ट चैप्टर पर है आर्टिकल ऑफ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35 आ जाएगा, इसको आपने ऐसे लगा लेना है, 3 का क्यूब 3 × 11 × 5 और 5 का क्यूब लगा लिया बेटा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 75 × 25, अब इसे दुगना कर लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 150, यहाँ पर 90, इसका प्लस करो जी
नंबर 27 जहां लास्ट वाला पॉइंट छोड़ रहा है 12 10 7 छोड़ रहा है 8 छोड़ रहा है 42 तो 35 का क्यूब क्या आएगा 4 2 8 7 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 63 है, फाइंड द क्यूब ऑफ 63 63 6 का क्यूब 6 का क्या 6 3 का क्या 3 का क्यूब 216 108 54 27 108 216 108 अब इसका प्लस 7 2 प्लस 4 छोड़ दिया हमने 0 छोड़ दी तो इसका क्यूब क्या जाएगा 2500047 दिस द क्यूब ऑफ 63। नाउ फाइंड द क्यूब ऑफ 64 13 54 7 11 4 का क्यूब 64 13 54 7 11 4 का क्यूब 64 13 15 17 और 19 क्योंकि 4 का क्यूब है जिसमें 4 आने चाहिए 5 का क्यूब 125 21 23 25 27 एंड सो इस तरह आप क्यूब है सम ऑफ कलेक्टिव ऑफ ऑड नंबर। नेक्स्ट फाइंड द क्यू रूट। अभी क्यू रूट से की बात करेंगे आप क्यू रूट इसमें क्या करते हैं वो तो 3 पर मल्टीप्लाई करते थे जैसे 125 इसका हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इसका 5 आएगा 3 के फैक्टर बना लिया हमने इसका आएगा दिस द सिंबल ऑफ क्यूब दिस द सिंबल ऑफ क्यूब। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंड द क्यूब रूट सबसे पहले है प्राइम फैक्टर दूसरा है बेलक मैथ तीसरा है बाय एस्टिमेशन तीन मेथड है सबसे पहले प्राइम फैक्टर आपको हमने पहले बताया था तीसरी का 9 आएगा ये है प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट नंबर रहेगा
वेदक मेथड। जो बड़ों के लिए होता है, बड़ी राशि के लिए होता है, जैसे हमें दे दिया इसका हमने क्यू रूट फाइंड करना है, इसके आपने सबसे पहले दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए, उसके बाद नियरेस्ट किसका क्यूब है 27 का क्या होता है 3, 32 27 के नियर है, ठीक है बेटा। यहां पर फिर एट लिखना चाहिए लास्ट इसका, एट का क्यूब रूट क्या होता है 2, क्या होता है 2, तो इसका क्या आएगा 32 आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैदिक मेथड, दिस इज द वैदिक मेथड। नेक्स्ट आप क्यूब बाय एस्टिमेशन मेथड, क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड, लाइक एस इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इसको भी आपने दो हिस्सों में बांटना चाहिए, इसका माइनस कितना 3, इसका क्यूब क्यूब ऑफ माइनस 27 तो 7 आ जाएगा इसका, ठीक है जी। जो 19 है वो किसके 8 और 27, 8 किसका क्यूब होता है 2, इसका 3, तो इसकी वैल्यू बढ़ गया बेटा 227 क्या आएगा 20, इज द फाइंड आउट द मेथड ऑफ क्यूब रूट। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।